चलिए बाबू देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ऊपर में सबसे कौन जिला था? सहारनपुर में बताएंगे कौन सा मदरसा? देवबंद। कौन सा मदरसा? देवबंद। याद रहेगा आपको, बताएंगे ये जगह कौन होगा? आई नेपाल आई कोनवा पे पीलीभीत। यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय। मुरादाबाद किस लिए? रामपुर चाकू। वायुसेना का अड्डा बरेली। कहाँ पर? हरित क्रांति का केंद्र सामने। क्या बोल रहा है? मेरठ बोल रहा है, बताया जाएगा। 1857 की क्रांति मेरठ। 1857 की क्रांति मेरठ, मेरठ से हुआ था। कहां से? मेरठ। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा। आप इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से आगे की ओर देखिएगा तो मिलेगा आपको श्रावस्ती। कौन सा जगह मिलेगा? श्रावस्ती। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन जगह? श्रावस्ती। कौन जगह है? श्रावस्ती। नहीं मिला श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश गधों सारनाथ में दिया था। काम था सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। उंगली माल डाकू मिल गया था यहाँ पे श्रावस्ती। यहाँ सबसे ज्यादा बरसात का समय बिताया श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती। कोई दिक्कत जीन? कोई दिक्कत नहीं ना? जीन आ गया है। आगे बढ़े। चलिए बाबू ध्यान से देखते चलिए। यहां जगह कौन सा हो गया? श्रावस्ती। कौन जगह हो गया? श्रावस्ती। कौन सा जगह? श्रावस्ती। किसी को कोई दिक्कत है? श्रावस्ती तो कंप्लीट हो गया ना। वापस श्रावस्ती। ये जगह कौन सा होगा? श्रावस्ती। कहां है श्रावस्ती? यात्रा को लो। श्रावस्ती मिल गया। श्रावस्ती के नीचे देखेंगे अयोध्या। श्रावस्ती के नीचे अयोध्या। श्रावस्ती के नीचे अयोध्या। अयोध्या के बारे में सबको पता है, राम जी का जन्म स्थल अयोध्या। किस नदी के किनारे? सरयू। कौन सी नदी? सरयू नदी। कोई मेरी ओर देखो, ये शहर कौन सा हो गया? अयोध्या। कौन सा शहर? अयोध्या। सरयू नदी को ही आगे जाके कौन सा नदी कहते? घाघरा। सरयू नदी क्या कहलाती? घाघ। और ये बिहार के छपरा में आके किससे मिल जाती है? गंगा। मिल गया सरयू नदी। वहां पे देखिए अयोध्या के पास सरयू नदी मिला कि नहीं? नहीं मिला। जिसका जिसका नहीं मिला सूख गया होगा। सूरज लिखा है। अरे सरयू, गलती से सूरज हो गया होगा। सरयू नदी, सरजू नहीं लिखा है, सूरज लिख दिया है। ओ मिस्टेक हो गया होगा। कौन नदी? सरयू नदी। सरयू नदी आगे जाके क्या कहलाती है? कौन सी नदी? घाघ। सरयू को आगे क्या कहते हैं? घाघरा। हो गया। किसी को दिक्कत? मेरी ओर देखें, ये कौन जगह है? अयोध्या। अयोध्या के आप पश्चिम दिशा में देखेंगे लखनऊ बाराबंकी। बाराबंकी और लखनऊ मिल गया। बाराबंकी और लखनऊ। लखनऊ मिला नहीं मिला? लखनऊ मिल गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कहाँ? सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। कोई दिक्कत है किसी को? लखनऊ। अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। लखनऊ में एक नया शहर बसाया गया बगल में, गोमती नगर। काफी ज्यादा क्या हो गया? डेवलप हो गया, वो एरिया डेवलप हो गया। कोई भी शहर को जब बसाया जाता है तो सबसे बड़ी होना चाहिए वहां पे बीच में चौड़ी सड़क, साइड में सर्विस लेन। आदमी किस पे चलना चाहिए? सर्विस लेन पर। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में कहीं सर्विस लेन ना मिलेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। सब मेन सड़क पे चलता है, रोड पे चलने लगेगा। वहां पे सर्विस लेन, ठेला की दुकान, ये सब किधर होती है? सर्विस लेन में। अब बीच वाली सड़कों पे नहीं होता है। अशोक राजपथ पे थोड़ा बहुत है,
पैदल चलने वालों के लिए सर्विस लेन। देखिएगा मेन सड़क बीच में है, पटना में अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक सड़क है, साइड में पैदल चलने वाले को फुटपाथ है और दुकानें कहाँ लगाई जाती है? पैदल फुटपाथ वाले पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। आगे बढ़े, लखनऊ मिल गया। लखनऊ से मेरी ओर देखिए, लखनऊ से पीछे पूरब की ओर देखेंगे बाराबंकी, लखनऊ से पूरब की ओर बाराबंकी, वह लखनऊ के पास का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा कोई विशेषता नहीं। लखनऊ से नीचे देखेंगे अमेठी, लखनऊ के नीचे अमेठी नहीं मिला, लखनऊ के नीचे अमेठी, लखनऊ के नीचे नहीं मिला। देखिए अमेठी में एक गन फैक्ट्री लगाई गई है AK-203 राइफल बनने के लिए, AK-203 राइफल कहाँ बनेगी? अमेठी। AK-20 राइफल अमेठी। पहले यहाँ से चुनाव जीतते थे राहुल गांधी, उन्हें हरा दी थी स्मृति ईरानी। कौन हरा दी थी? स्मृति ईरानी। नहीं समझ में आया? ये गदाकार है, लालू यादव हरा दिए थे। या तुम लोग कहाँ दिमाग रहता है? अमेठी मिल गया, किसी को दिक्कत है अमेठी में? लखनऊ के नीचे कौन जगह है? अमेठी। अमेठी के बगल में देखेंगे रायबरेली, अमेठी के बगल में रायबरेली नहीं मिला। अमेठी के पास कौन सा जगह मिलेगा? रायबरेली। अमेठी के बाद रायबरेली। सोनिया गांधी कहाँ से उठती है? रायबरेली। और राहुल गांधी कहाँ से उठते थे? अमेठी से। अभी राहुल गांधी केरला के वायनाड से उठते हैं। कहाँ से? वायनाड, केरल के वायनाड से। कोई दिक्कत है किसी को? मिल गया जगह आप लोग को? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। वापस चलते हैं सहारनपुर, जाइए सब लोग एक बार में। सहारनपुर चले गए, मेरठ नक्शा में जाइए फटाफट एक बार में। मेरठ दिख गया? मेरठ राजस्थान का नक्शा खोलिए, राजस्थान का फटाफट, राजस्थान का नक्शा सब लोग खोलिए। जैसलमेर राजस्थान का नक्शा फटाफट खुलना चाहिए। जैसलमेर, जयपुर और आमेर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र उसको मिल गया। जैसलमेर महाराष्ट्र में, हम कहते हैं इधर से होशियार एक और बैठा करो, या फिर आतर दे दे, कैसे होशियार बकलोल, होशियार बकलोल किसने आतर दे दे के बैठने में ठीक रहता है। पता चलता है एक के बीच में सब बकलोले बैठ गया किसी दिन, और किसी दिन होता है। अब उसको कर्नाटक महाराष्ट्र में कहा जाने, कहां से जयपुर मिली पता कैसे चलेगा? अब जैसे आप लोग को होशियार खोजने में दिक्कत हो रहा था, बकलोल ले लो। आगे बढ़े, जयपुर मिल गया, अजमेर और पुष्कर, कोटा कोटा वाला पहले वहां पहुंचलता है, चित्तौड़गढ़ मिल गया। कहाँ है चित्तौड़गढ़? हाँ चित्तौड़गढ़ ठीक है, मिल गया ना। वापस आप लोग जाएंगे गुजरात में, वही उसी पेज पर रहिए, गुजरात उसी पेज पे, सब लोग उसी पेज पर रहेंगे। गुजरात, गुजरात पहले, लड़की सब पहले गुजरात खोजो, पहले आप लोग गुजरात खोलिए, पहले उसके बाद समझ में आएगी आपको आगे क्या पढ़ना है। सबको गुजरात मिल गया? हाँ आप बात करते हैं, नहीं तो दूसरे जगह चल जाती है सब। गांधीनगर उसको खोजिए जी, उसको क्लास छूटा है क्या आपका बबनी? हाँ देखिए उसको अभी तक नहीं मिला, आई का कोट दूसर जगह दिखा दिए, बगलिया में पूछिए तो उसको राजकोट दिखा दिए उसको राजकोट दिखा दिए। अब वो करिए कि गांधीनगर में गौ से लिखाता है, गौ से लिखल है हो से हो। आपका न्यू बुक है, उसका ओल्ड बुक है लॉजिक देखो ये लोग का, इनका नया पुराना बुक है, उनका नया बुक है, मतलब नया और पुराना में जगह चेंज हो जाएगा, मतलब नया वाले
निया वाले में गांधीनगर यहाँ होगा और राजकोट यहाँ होगा। वाह वाह। चलिए अब एक बार में पहुंचिए सूरत। देखो उसको सूरत को जो है उसको नहीं मिला। देखिए भावनगर लगे। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये जगह कौन सा होगा? सूरत। अरे इतना तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए जी आप लोग को, दिमाग में बैठाने के लिए भी दिमाग की जरूरत है। ये कौन सा होगा? सूरत। आइए सर भावनगर। कौन नगर? भावनगर। ये रोरो बेरी दोनों के बीच में चलती है कि नहीं? ये रेलवे स्टेशन ओखा। यहाँ पे शहर कौन सा होगा? द्वारका। ये शहर जामनगर। ये बोलिए कौन जगह होगा? कांडला। हाँ कांडला होगा। लड़का लोग पहुंचो उसमें एक बार में। देखो जल्दी जहां बोलते हैं पहुंचिए आप लोग एक बार। बड़ोदरा। देखो ये बगले लोगों को इसका बड़ोदरा इधर खोज रहा है। इसमें इसमें केवल गधा मिलेगा सर, जंगली गधा। यहां पे ना मिलेगा बड़ोदरा? मिल गया। वापस जाइए आप लोग पंजाब। पंजाब वाले पेज पर आ गए। जल्दी जाइए आप लोग, पहले पंजाब तो पहुंचो लो। उसका क्लास छूटा है क्या? क्लास नहीं छूटा तब का इतना बकलो लो। आपको पंजाब नहीं समझ में आ रहा कहाँ होगा? कहाँ है पंजाब? उसमें पहुंचिए एक बार में। अमृतसर छोड़ दे बाबनी, कोई मत बताना। तो आपको आइडिया नहीं लग रहा अमृतसर कहाँ होना चाहिए? अब अगर मान के चलिए कोई अमृतसर ऐसे खोजने लगा कहाँ है कहाँ है, उस दिमाग में होना चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर। मिल गया अमृतसर। कारगिल। कारगिल को जो कारगिल हाँ अभी पंजाबे में घूम रही थी। मिल गया कारगिल। कहाँ मिलेगा? जम्मू का। शिमला खोजिए। शिमला। शिमला जल्दी खोजिए। कौन जगह होगा? शिमला। देहरादून खोजिए। देहरादून उत्तराखंड में जैसे एंट्री मारेंगे क्या मिल जाएगा? देहरादून। मिल गया देहरादून। मिला देहरादून। कालका खोजिए। कालका। कालका मिल गया। पंचकुला और कालका हरियाणा का सबसे ऊपरी शहर। अंबाला। अंबाला मिल गया? हाँ नहीं मिला? देखो बाबू लोग जहां भी आप लोग लॉज में रहते हैं तो अपना जो नक्शा है वो दे दीजिए दूसरे को और कहिए कि पूछो एक बार में हम पहुंचते हैं। अब उसको रहने दीजिए, एक बार में आपको क्या करना है? पहुंचना है, नहीं तो यही दिक्कत हो जाएगा। हम आगे चलते जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। अंबाला मिल गया आपको? अभी शिमला में खोज रही थी, शिमला के पास। कम से कम इतना तो आइडिया रहना चाहिए कहाँ है। जीन तुमको याद हो गया? हाँ जीन दिखाओ इधर। चलो कहाँ पे कालका है? हाँ शिमला बताओ। शिमला हाँ। श्रीनगर। श्रीनगर पर वेरी गुड। जीन को तो याद है, पहुंच गया वो जीन। चौपट करेगा ये किसी को? हाँ मिल गया जीन को। मिल गया हाँ हाँ। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश पर। मेटेरियल नहीं मिला आप लोगों को? इस साल मिल जाएगा। इसमें ज्यादा आपको लोकेशन पे ध्यान देना है। मेटेरियल में क्या रहेगा? उसी लोकेशन की विशेषता लिखी रहेगी। जैसे कालका शिमला रेल मार्ग लिखा रहेगा, कारगिल की लड़ाई का डेट लिखा रहेगा। आपको नहीं याद है विजय ऑपरेशन? इसमें मेन जरूरी क्या चीज है? लोकेशन जरूरी है। बताइए ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। एंट्री मारते यहाँ ऋषिकेश और देहरादून मिल जाता है नीचे। यहाँ बताइए उत्तर प्रदेश का ये
सहारनपुर। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश ऐसे बिहार में इंट्री कर दिया होगा, लगता होगा जैसे बिहार में एकदम इंट्री कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बलिया मिले, कौन जगह मिलेगा, बलिया मिल गया, बलिया बलिया, ऐसा लगेगा बिहार में इंट्री कर दिया, समझ में आ गया। बलिया के बाद क्या आ जाता है, बिहार, समझ में, एकदम बॉर्डर पे है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे इस साइड में जितना जिला है ना, इस साइड में जितना जिला है, महाराजगंज हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, इन लोग का शादी भी किधर से हो जाता है, बिहार से ही हो जाता है, जब भी बॉर्डर होता है। अब बिहार का ऊपर का आदमी नेपाल से ले ले आता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए, बलिया मिल गया। मंगल पांडे कहां के थे, बलिया, आजादी से पहले आजाद हो गया बलिया, 1947 में पूरा देश आजाद हो, आई पहले अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र, क्या रहेंगे, स्वतंत्र, स्वतंत्र रहेंगे, समानांतर सरकार, कौन पर, बलिया मिल गया, बलिया, ये जिला कौन होगा, बलिया, बलिया के नीचे गाजीपुर, गाजीपुर, बलिया के नीचे गाजी, नहीं मिला, बलिया से जस्ट पास में होगा, कौन जगह, गाजीपुर, वीर अब्दुल हमीद कहाँ के, गाजीपुर, गाजीपुर में है, वहां पे, जहाँ पे धामूपुर जगह है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में धामू, आप में से बहुत सारे लड़का गाजीपुर का पटना पढ़ने आता होगा, है कोई इसमें गाजीपुर का, हाँ गाजीपुर के तो धामूपुर गाँव है, वीर अब्दुल हमीद का, वहां पे थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद इतने बहादुर थे कि पाकिस्तान जो था 62 की लड़ाई में वो चाइना से लड़े थे, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को अमेरिका ने इतना खतरनाक टैंक दिया था, पैटन टैंक, पैटन टैंक को मारना लगभग नामुमकिन था और कोई हथियार भी नहीं था मारने के लिए, और वीर अब्दुल हमीद के पास एक आरसीएल गन थी, आरसीएल गन जीप पर रखा गया रहता, वो गन की सबसे बड़ी खराबी, फायर करेंगे ना तो धुआं कर देता, यानी आप कहां से फायर किए ये कोई भी आपको देख लेगा। तो वीर अब्दुल हमीद जो थे आरसीएल गन से पैटन टैंक को मारे और तुरंत वहां से अपना जीप लेके भाग गए, तो पैटन टैंक उधी आ गया, ऐसे करते करते 3 टैंक उड़ा दी। लेकिन उस टैंक की सबसे बड़ी खराबी, आरसीएल गन जो होता है उसकी सबसे बड़ी खराबी, अब जैसे एक पटाखा फोड़ते हैं तो कैसे पता चल जाता है कहां फोड़ा है, उसी तरह उनका भी लोकेशन पता चल गया, सीधे तोप से गोला मार दिया सब वीर अब्दुल हमीद के, जीप सहित उधी आ गया, पूरा शरीर चिथड़ा उड़ गया, पूरा का पूरा बटोर के ऐसे बॉडी को लाया गया। लेकिन देखिए लोग ऐसे मरेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद हमेशा से के लिए अमर हो गए। और इतना ही नहीं, आज भी गाजीपुर की पहचान जो होती है वीर अब्दुल हमीद से होती है, कि यही वो जगह है जहां एक छोटे से गांव धामूपुर का एक व्यक्ति अमेरिका के जो पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका कहता था कि इसे कोई नहीं मार सकता, उसके चिताड़ा उड़ा के रख दिया। अब बस वो आरसीएल गन, अब दो चार और आरसीएल गन रहता, उसके बाद तो पाकिस्तान की सेना ही आगे नहीं बढ़ी, बस आरसीएल गन देखते थे भाग जाते थे सब, उसको लगता था कि सब वीर अब्दुल हमीद है। अब भारत का हर सैनिक बहादुर है, एक पूरा का पूरा, बशर्ते किसी को मौका मिला किसी को नहीं, तो जिसको मौका मिला वो इतिहास बना दिया, चाहे वो विक्रम बत्रा हो, हमारे कैप्टन मनोज, मेजर मनोज पांडे कैप्टन थे वो, बाद में मेजर बना दिया गया उन्हें, उनको मिल गया, उनकी तो गोली खत्म हो गई थी, तो चाकुए से मार दिए वहां पे, जाके चाकू चाकू मार दिए वहां पे, बताओ समझ गए, शैतान सिंह चाइना वाले उनको। तो बताएंगे गाजीपुर के कौन थे, वीर अब्दुल, लॉर्ड कार्नवालिस भी कहां मर गया, गाजीपुर, तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहां है, गाजीपुर, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, समझ में आ गया कि नहीं। गाजीपुर में एक गांव है गहमर, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, नक्शा में नहीं दिखेगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, अफीम फैक्ट्री, अफीम की कोठी गाजीपुर, अंग्रेजों अफीम का बहुत बड़का व्यापार करता था सब, वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर। अब मंगल पांडे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश का ये जो रीजन है ना, ये रीजन, यहाँ पर फौज में जाना एक फैशन है, समझ में आ गया कि नहीं। गाजीपुर में आज भी जाएंगे ना, गाजीपुर में तो हर गली उली में से एक ना एक आपको क्या मिल जाएगा, फौजी, तो एक फैशन है वहां पे फौज में जाना, बहुत बेहतरीन, समझ में आ गया। कोरोना के दौरान उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, वीर अब्दुल हमीद की। अब भाई पृथ्वी लोक है, सबको आना है जाना है, कोरोना ने तो बहुत लोगों को चौपट किया यहाँ पर। आगे बढ़ जाए, बताइए ये हो गया कौन जगह, गाजीपुर, आइए ऊपर वाला बलिया, मंगल पांडे बलिया,
बहादुर सैनिक, समझ में आ जाएगी ना, 1857 की क्रांति का आगाज करने, वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के, दोनों एक पास है कि नहीं? अब गाजीपुर से पीछे देखें बनारस मिल गया, गाजीपुर के पास बढ़िया वाराणसी लिखा है, अरे गाजीपुर जहां लिखा होगा वहीं पे क्या लिखा है वाराणसी, नहीं लिखा है वाराणसी, वहीं लिखा होगा मुगल सराय, दीनदयाल उपाध्याय लिख दिया का बड़का लिख दिया होगा तो दीनदयाल उपाध्याय, नहीं नया वाले एटलस में दीनदयाल उपाध्याय, कोई भी जो नया एटलस छपेगा उसमें क्या रहेगा दीनदयाल उपाध्याय, उसी का नाम क्या था मुगल सराय, समझा गया कि नहीं? वहां ऑटो वाला सबको सबसे दिक्कत होता है, गुटखा खा ले रहता है मुंह में, पहले बोलता था मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय, अभी बोलता दीनदयाल उपाध्याय मुगल, खुल गुटखा फेंक देता है सब, समझा गया कि नहीं? तू सब अभी चिल्लाता है कोई नहीं मुगल, कहा गुटखा कूट फेंका जा रहा है भैया मेरे मुंह से, समझा गया कि नहीं? आगे दीनदयाल उपाध्याय वो भी बहुत बड़े नेता थे, समझा गया कि नहीं? आगे देखिए आज इन शहरों के नाम उनके नाम पर होने चाहिए जो आजादी से पहले लड़ाई लड़े थे, समझ में आ गया, स्वतंत्रता आजादी से पहले, समझ में आ गए, झांसी की रानी इजम वीर अब्दुल हमीद, मंगल पांडे, अब इतना पास का एरिया था मंगल पांडे के नाम पे हो जाता, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे हो सकता था, पसवे के तो दोनों लोग थे, लोग कितना अच्छा रहता, तो ज्यादा एरिया मतलब होना चाहिए किसके नाम पे, जो स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के बाद देश के लिए आप लोगों ने क्या मतलब उतना जो आजादी में किया वो लोग से तो बड़ा कोई नहीं किया, भगत सिंह, मुगल सराय का नाम भगत सिंह रेलवे स्टेशन लगता है गर्दान नाम है, ऐसे आदमी रिचार्ज हो जाता है। अब ये जो नाम होते हैं वो राजनीतिक नाम होते हैं, जो नाम रखे जाते हैं वो राजनीतिक नाम होते हैं, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी रेलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझ में आ गया कि नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दीनदयाल उपाध्याय, ये तो ये सारी चीजें जो है ना राजनीतिक नामे हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखना चाहिए, सरदार पटेल कोई दिक्कत नहीं उनके नाम पर, तो भाई जितना रख दीजिए कम है, लौह पुरुष भारत को यूनाइट किए थे, तो ये जगह कौन सा मिल गया बनारस, बनारस दीनदयाल और मुगल सराय और सारनाथ तीनों एक जगह मिलेगा, देखिए बनारस सारनाथ मुगल सराय, यानी मुगल सराय का नाम तो अभी क्या हो गया है चेंज हो गया दीनदयाल उपाध्याय हो गया, समझ आ गया? गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी नाम है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे मतलब अग्रणी थे, मदन मोहन मालवीय भी, मदन मोहन मालवीय बनारस जो रेल यूनिवर्सिटी है बीएचयू संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन माल, अब ध्यान से समझिए तीन शहर एक पास आपको मिल गए, कौन कौन, सबसे बड़ा बनारस, बनारस का प्राचीन नाम काशी, काशी के बाद बनारस, बनारस के बाद वाराणसी, क्या हो गया वाराणसी, आप उसे वाराणसी कहिए, हालांकि दो नाम उसका ज्यादा फेमस है काशी और बनारस, ज्यादा फेमस है बनारस, खई के पान बनारस वाला, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बनारसी साड़ी, बनारसी सार, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ज्यादा नाम कौन सा फेमस है बनारस, समझ आ गया कि नहीं आ गया, जैसे भारत का नाम ज्यादा क्या फेमस है भारत, भारत माता की जय, अब जैसे हिंदू हिंदुस्तान माता की जय कोई बोलता है, इंडिया माता की जय कोई बोलता है, सब क्या बोलता है भारत माता की, समझा, संविधान में हम भारत के लोग, भारत को एक सम, हर जगह क्या फेमस है भारत, हालांकि नाम कई रहता है लेकिन फेमस क्या है भारत, अब कई को ऐसा नहीं लॉजिक देता है सब, अच्छा ये बता भारत को इंडिया भी कह दोगे क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन एक लॉजिकली जहां भी देखेंगे कौन सा शब्द प्रयोग है भारत प्रयोग हुआ है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया काशी, बीएचयू समझ में आ गया कि नहीं, बीएचयू यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है नो डाउट, उसमें हॉस्पिटल भी है सर सुंदर लाल हॉस्पिटल करके अंदर है बनारस में, बहुत सारे लोग वहाँ बहुत कम पैसे में इलाज करा लेते हैं, हम खुद उसके गवाह हैं, हमारे गले का ऑपरेशन बनारस में हुआ था, ऑपरेशन का चार्ज लगा था 250 रुपया, हाँ सोचिए, और बिलीव था कि यहाँ हम ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे, बाकी कोनो सरकारी हॉस्पिटल में मुंह आ देता से गटैये काट देता, कहता है काट रो हो काट देता, उसके बाद कहता जा मुंह गलो, 250 रुपया में करा। इसके अलावा जितने दिन बेड पर हम एडमिट थे ना, सुबह सुबह पैकेट वाला दूध आता है, जैसे आप कहेंगे सुधा अमूल ये सब कंपनी, आधा लीटर दूध ले आके रख देता था,
उसका पैसे नहीं लेता था, सरकारी आता था। और जो मरीज रहते थे ना, जैसे हम बेड पे थे, अब वहां पे ले आके कुछ नाश्ता के लिए रख देगा, ब्रेड या कभी अंडा, वो डिपेंड करता है, खाना आपका डिपेंड करता है डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया, समझा कि उस खाना सबका अलग अलग रहता है, कॉमन नहीं रहता है क्या डॉक्टर बोला है। लेकिन दूध ले आके रख देता था आधा लीटर, एकदम बेहतरीन ढंग से, साफ सफाई एकदम बढ़िया, रात में भी डॉक्टर आता था, लगता ही नहीं था जो सरकारी हॉस्पिटल है, एकदम बढ़िया से रात में हमें ठीक ठाक हो गया, क्योंकि गले का ऑपरेशन था तो चलने फिरने में तो प्रॉब्लम था नहीं, तो रात में आराम से उठ के टहलते रहते थे, हॉस्पिटल पूरा घूमते रहते थे, यहाँ पे बहुत बेहतरीन था यहाँ। और वही अगर हम बिहार में देखते हैं तो बड़ा उटपटांग हो जाता है। देखिए कोई भी सर, वहाँ के डॉक्टरों में हम जिम्मेदारी देखें, और वहाँ पहली बार ना थोड़ा सा अजीब, जैसे सब सही हो गया, अब मेरा गले का प्रॉब्लम जब सही हो गया तो पापा माँ बाप बड़ा खुश हो जाते हैं, जब तो वहाँ कोई सफाई कर्मी था, उसको पापा ने कहा 200-250 रुपया कुछ दे दिए, खुशी से वापस कर दिया। ये होती है ईमानदारी, ऐसा नहीं कि आदमी रिश्वत दे रहा था उसको, जब हम लोग लौट के आ रहे थे ना तो खुशी से, कि वो बेचारा हमेशा आके साफ सफाई कर देता था, लौट गया, कहते जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये ईमानदारी है वहां पर। अब हम अभी का नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन ये बात हम आपको 2012 का बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले का, समझ में आ गया कि नहीं। तो उस वक्त भी महंगाई कम नहीं थी बाबू, उस वक्त भी हम कानपुर में इसके इलाज के लिए पूछे थे तो 2 लाख रुपया मांगा था। सोचिए जिसके जो वेल्डिंग सीखा हो अपनी जिंदगी बिताने के लिए, वो 2 लाख रुपया में इलाज करा लेगा, नहीं करा पाएगा। अब हम लोग वेल्डिंग सीखे थे अपन जिंदगी बिताने के लिए, हमला से कोई 2-2.5 लाख रुपया गला का ऑपरेशन के लिए ले लेगा, कहेगा तो जो तूने देखिए को किडनी बेच के ऑपरेशन कराना पड़ेगा पहले किडनी का करो उसके बाद इसका करना। तो आज भी, तो जब भी जीवन में आपके साथ कोई घटना होती है ना, नहीं भूल सकते। ऐसा नहीं था कि हम लोग उसे रिश्वत दे रहे थे, रिश्वत आदमी काम से पहले देता है, जब निकल रहे थे लोग तब देगा, लेकिन वो समझ में आया कि नहीं, वहां लगा कि नहीं हम अब, मेरा हिंदुस्तान ऐसा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपने का हिंदुस्तान ऐसा था, वो बहुत बेहतर। कितना सैलरी होगा एक सफाई कर्मी का? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखे स्वाभिमान कितना बेहतरीन, एक से एक डॉक्टर। एम्स में भी ऐसा ही होता, एम्स में भी एकदम प्रोटोकॉल फिक्स है कि अगर उनके पास 40 बेड है तो 40 ही लेंगे, 41 नहीं लेंगे, लेकिन जिस 40 को लेंगे वो अपने परिवार की तरह इलाज करेंगे। वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम था, हमें नंबर ही नहीं लग रहा था ऑपरेशन का, लेकिन जब मेरा शिफ्ट आया तो एकदम अपने परिवार की तरह किया लो, और जब ऑपरेशन करा के गए तो कह दिया कि देखिए सर आप बिल्कुल सही हो गए हैं, एक काम कीजिए अब आप घर चले जाइए, 10 दिन बाद आइएगा, हम टाका काट देंगे, आप रिस्क जोन के बाहर है। 4 दिन एडमिट रखा था हमको, हम जा रहे थे ऑटो से, उसी में तो सोचो बीचवा में एक गाय कूद गई, ऑटो स्पीड में था, डिवाइडर से गाय कूद गई, मोड़ा पर पलट गया, यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, अब ऑपरेशन हुआ था, उसी में ऐसे गिर गए हम, अब किसी का उसी में सर फूट गया, अब हमको लगा सोच रहा हमरे कट गया यहाँ पर, बहुत आदमी डर गया यहाँ पे, बहुत खतरनाक है। वापस गए, फिर खोल के देखा, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है जाइए वापस, घबरा जाता आदमी, पलटी थी तो किसी का सर फूट गया था, उन्होंने कहा हमरे कट गया, गए जा गए लो, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था, गए काम से यहाँ पे। तो ये बनारस का हॉस्पिटल आज भी बहुत सारे लोग जो मतलब गरीब है, आज भी देखिएगा बाहर बिछा के वहां पर बनारस में लेते हैं, लेकिन इलाज कराते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आप BHU की तारीफ, भाई जो रियलिटी है वो बता रहे हैं हम, जो रियलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई और हॉस्पिटल किया रहता वो भी बता देते, जैसे बताया ना कानपुर में 2 लाख रुपया मांग रहा था तो ये भी रियलिटी बताया, हमको क्या है मतलब, कोई प्राइवेट चीज थोड़ी है, तो सरकारी चीज है। आगे बढ़ जाए तो ये BHU, यहाँ का पान काफी मशहूर है, पान बड़ा सा बनारसी पान, और यहाँ की साड़ी बनारसी साड़ी, महिलाएं उन्हें पहनती नहीं है, लेकिन वो एक समझिए ध्यान से, आईफोन कोई यूज के लिए नहीं खरीदता, वो स्टेटस का सिंबल है, उसी तरह बनारसी साड़ी कोई पहनता नहीं, लेकिन स्टेटस का सिंबल है, बनारसी साड़ी पहन लो हो, समझ में आ गया कि ओकरा धुलाई 400 रुपया 500 लगता है, सोचिए जिस साड़ी को धोने में 500 लग, 500 में लड़का का बढ़िया कपड़ा आ जाता उतना में धोवा रहा है। आगे बढ़ जाना बनारस का, समझ में आ गया, BHU यूनिवर्सिटी है। देखिए BHU यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएट होने पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते, आपको 6वां से लेके 12वां तक के लिए CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इससे फिर आप कहाँ जा सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदू पढ़ते, इसमें मुस्लिम भी पढ़ते,
हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि इसमें केवल मुस्लिम पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। जिस दिन ऐसा होने लगेगा कि यहाँ केवल हिंदू या केवल मुस्लिम, उस दिन समझिएगा आप हिंदुस्तान में नहीं हैं। आज भी आप जाइए, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मंदिर से श्रद्धा से प्रसाद मांगेंगे आपको दे देगा। आप किसी भी मजहब के हैं, गुरुद्वारा में खाना खा सकते हैं। किसी भी मजहब के हैं, जाके किसी मुस्लिम के यहाँ ईद आ रहा है सेवई खा सकते हैं, गले मिल सकते हैं। यही हिंदुस्तान है। जिस दिन ये बंद हो गया, समझिएगा हिंदुस्तान अपनी आखिरी दम ले लिया। हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, ये विचारधारा है। भारत एक विचारधारा है, ये खत्म होगा। नेतवा खत्म करना चाहते हैं लेकिन होगा ही नहीं। रीजन समझ रहे हैं, जो चीज DNA में होता है खत्म ही नहीं होता है। भारत वालों में आपसी प्रेम DNA में। इसे सोचो नेतवा सब कहीं भी कभी सब मशरूम सर से कोनो बस का नहीं, ये मशरूमों में इतना हिम्मत ही नहीं। जब ये नेता देश को बना नहीं पाए तो ये कुत्तों से टूट पाएगा। बनाया है सब ये सब देश नहीं, तो कभी नहीं टूट सकता है, चाहे कितनों कोशिश कर ले। यहाँ पर भारत एक विचारधारा है। यहाँ पर कहीं पे भी देखेंगे सब मिलजुल के रहते हैं। होली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया। अभी देखे कुछ दिन पहले, जब यहाँ 5 साल पहले गुरु पर्व मनाया गया था, पटना पूरा जगमगा गया था। आप लोग उस समय नहीं होंगे, जो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई थी, गुरु तेग बहादुर, बहुत अच्छा लगा। तो ये बनारस समझ में आ गया। बनारस से जस्ट पास में कौन है? सारनाथ। कौन है? सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध को पहला ज्ञान ज्ञान मिला था बोध गया में, और पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश सारनाथ में। अशोक का क्या मिला? अस्तम। अशोक का क्या मिला? अस्तम। बहुत ऊंचा सा पिलर मिला, उसी का ये छोटा रूप है। ये जो है ये छोटा रूप है। अब ऐसा छोटा सा स्तंभ थोड़ी होता, बड़का सा पूरा वेपर लाइट जैसे होता है ना, बड़ा सा सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर का है। नीचे में ऐसे चबूतरा बना हुआ है और ये बड़ा सा पिलर है, और इस पिलर के ऊपर ऐसे 4 ठो बाघ बने हैं सब। जबकि आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 3, क्योंकि जो जस्ट पीछे है वो वाला तो दिखता नहीं है। यहाँ पर जूम कर देना जिसको, अशोक स्तंभ को। तो ये कहाँ पे मिलता है? सारनाथ। अशोक स्तंभ सारनाथ। बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चिन्ह। कौन सा है? अशोक चिन्ह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कहां से मिला है? सारनाथ। यहाँ पे ये 4 बाघ है, हालांकि दिखेगा आपको कितना? 3। एक जस्ट पीछे वाला नहीं दिख। कहां से मिला ये? सारनाथ स्तूप से। किसी को दिक्कत? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जब सेना में जो फील्ड मार्शल होता है, 2 ही फील्ड मार्शल हुए, एक KM करियप्पा, एक मानेकशॉ। जो फील्ड मार्शल होता है उसे ये मतलब आपको ये जो स्टिक होती है, जो स्टिक, वो स्टिक ना देके क्या दिया जाता है? अशोक स्तंभ दिया जाता है, अशोक स्तंभ। और जब भी कोई भी सेना अधिकारी को देखेगा तो वो अपने कैन को पकड़ के क्या करता है? ऐसे सैल्यूट करता है, छोड़ देता है, फिर इसे पकड़ लेता है स्टिक को। लेकिन जब फील्ड मार्शल बनता है तो सैल्यूट ऐसे नहीं करता है, उसके हाथ में क्या रहता है? अशोक स्तंभ। जब भी कोई सैल्यूट करेगा तो हाथ से सैल्यूट नहीं करता, इससे करता है। जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ से कोई सैल्यूट करता था तो ऐसे करते थे वो अशोक स्तंभ को। ये उनका मतलब जो फील्ड मार्शल होते हैं उनका सैल्यूट का तरीका होता है। बाकी सब लोग अपना केन पकड़ के और क्या करते हैं, स्टिक मिलता है, केन बोलते हैं उसको, ऐसे सैल्यूट करते हैं। और फील्ड मार्शल स्टिक पूरा क्या मिलता है? अशोक स्तंभ। उनको सैल्यूट करेंगे तो इस तरह से सैल्यूट करेंगे। तो ये कहाँ से मिला? सारनाथ। कहाँ से? सारनाथ। किसी को दिक्कत? सारनाथ का 2 चीज याद रहेगा, अशोक स्तंभ, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। कोई दिक्कत है किसी को? कहाँ पे है ये? सारनाथ। सारनाथ के नीचे अब मिलेगा आपको मुगल सराय, वही जिसका नाम अभी पंडित दीनदयाल। ये बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन है, बहुत बड़ा क्या है? रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन है। अब ये रेलवे जंक्शन मजबूरी में बन गया, कैसे समझिए ध्यान से। यहाँ पर बनारस में है गंगा नदी। बनारस में कौन सी नदी आ रही है? ये गंगा नदी। ऐसे अब यहाँ पर है आपका एक जगह बनारस नदी, इस पर नदी, इस पर कौन जगह है? बनारस। और नदी इस पर क्या है? मुगल सराय। तो जितनी ट्रेनें जा रही थी बिहार से उनको ले जाना था यहाँ से, झारखंड वाली भी ट्रेन को इधर ले जाना था, छत्तीसगढ़ वाली ट्रेन को इधर ले जाना था, और मध्य प्रदेश वाली को भी इधर ले जाना था। सबके लिए अलग अलग पुल बनाना पड़ता अगर बनारस में ले जाना था। तो अंग्रेजों ने कहा कि इतना पुल पे खर्चा ज्यादा आएगा, तो सारी ट्रेनों का स्टॉपेज कहाँ मार दिया? मुगल सर। अब मुगल सर ऐसे ही क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है, और अब फिर एक पुल से कहाँ ले जाता है? बनारस। तो बताइए बनारस से भी बड़का रेलवे स्टेशन मुगल सर। लेकिन मुगल सराय बहुत डेवलप नहीं है, जो डेवलप है स्टेशन के वजह से। अब कोई भी लोकल आदमी अगर पटना से जाता है कहाँ पर? मुगल सराय। तो मुगल सराय उतर के अगर उसे बनारस जाना है तो ऑटो पकड़ लेता है, क्यों? ऑटो पहुंचा देगी 20 मिनट से आधा घंटा में, और ट्रेन कितनों बड़ की ट्रेन हो, 1 घंटा कन्फर्म लेगी, 1 घंटा कन्फर्म। बस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना घंटा? 1 घंटा।
इतनी पटरी है उसमें, बाप रे जलेबी खिल, ऐसे लगेगा ट्रेन कैसे ले जा रहे हैं आप, धीरे 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 एकदम टेम्पू की स्पीड से भी धीमा ले जाता, लगता है पैदल चल रहा है आदमी, इतनी रेलवे स्टेशन से। तो मेरा रीजन तो समझ में आ गया ना, हालांकि अगर वो चाहते तो कहाँ बना सकते थे, बनारस, लेकिन बनारस वही है। अब जैसे आप खुद से सोचिए, हाजीपुर जंक्शन बना दिया गया, पटना का ही नहीं बनाया। अब भैया हाजीपुर से क्रॉस करने के लिए बड़का पुल बनाना पड़ता ट्रेन का, जो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उस समय, इतने बड़े गंगा नदी पे ट्रेन बना, ट्रेन चलाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पटना से, बस पटना से हाजीपुर डिस्टेंस कौन सी नदी का है, आप नदी इस बार है तो पटना, उस बार है तो हाजीपुर, ट्रेन कहां तक आती है हाजीपुर, पटना आती है नहीं आती है, नहीं आती है। बाद में बना एक पहलेजा घाट, तब ट्रेन उधर से घूम के दूसरे घाट से पटना आती है, एक दो गो ट्रेन में चलती है। पाटलिपुत्र से ज्यादा ट्रेन कहाँ है, दो चार गो है, और दूरी भी उलटपटांग है, ज्यादा है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मुगल सराय क्या चीज है भाई, रेलवे, रेलवे स्टेशन, ये गाजीपुर, ये बलिया और ये गाजीपुर। अब बनारस से तीन शहर याद रखेंगे, मुगल सराय, सारनाथ और बनारस, पता नहीं चलेगा आपको कहां पे हैं आप। जैसे पटना में आप घूमते घूमते दानापुर चल जाएंगे तो पता चलेगा कि हम पटना ना होके दानापुर में है, वैसे ही पता ही नहीं चलेगा कि हम सारनाथ में है कि बनारस में। दोनों सिटी आपस में पूरी तरह क्या हो चुकी है, सट चुकी है। ये हो गया आपका ये जगह। अब नीचे में यहां देखिए मेरी ओर, एकदम नीचे देखिएगा रेणुकूट, मिल गया रेणुकूट। रेणुकूट में अल्मोनियम कारखाना है, रेणुकूट में कौन कारखाना, रेणुकूट में अल्मोनियम कारखाना, बहुत बड़ा अल्मोनियम कारखाना है रेणुकूट में। वहां पर आपको रिहंद नदी मिलेगा, देखिए पढ़िए, रेणुकूट के नीचे कौन सी नदी, रिहंद नदी। उस रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, कौन सा बांध बनाया, रिहंद, देखिए एकदम नीचे होगा, नहीं मिला, कौन सा बांध बनाया गया, रिहंद बांध, कौन सा बांध, रिहंद बांध। अब बांध बनाएंगे तो पीछे झील बनेगा कि नहीं बनेगा, तो झील बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, किस नदी पर, रिहंद। आप फंस जाइएगा, जानते हैं क्यों, पंजाब के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो सतलज नदी पे जो भाखड़ा नांगल बनाया गया है उससे बने झील का नाम है गोविंद सागर, वो गुरु गोविंद के नाम पर है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, वो पंजाब में इसलिए। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ, किस नदी पर, किस नदी पर। आपको एक बात और पता होगा कि जो आपको पॉलिटी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे भाषाई आधार पर पहला संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, जबकि पहले भाषाई आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, भाषाई आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। पॉलिटी में पढ़ा दिए, जो पॉलिटी नहीं पढ़े उसके ऊपर से जाएगा ये, समझ में गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत बताइए। रिहंद बांध कहाँ है, रेणुकूट, कहाँ पे, यहाँ पर आपको मिलेगा रावटगंज, देखिए ऊपर पढ़िए, मिला रावटगंज, नहीं मिला रावटगंज, ओबरा, रॉबर्ट्सगंज, वहां ओबरा मिला, रावट्सगंज और ओबरा नहीं मिला, रावट्सगंज मिला कि नहीं मिला, रॉबर्ट्सगंज बताइए, ये कारखाना का नाम रेणु, आइए जगह रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज पूरी तरह पथरीला एरिया, पूरी तरह से पथरीला है। घर बनने के लिए जो गिट्टी आता है ना, गिट्टी, वहां के पत्थरों को तोड़कर मशीन से उसको क्रश करके उसे छोटा छोटा कर लिया जाता है और ट्रक से लोड करके जगह जगह भेज दिया जाता है। तो घर बनाने वाला गिट्टी का सप्लाई इस एरिया में किधर से, रॉबर्ट्सगंज, कहाँ से, रॉबर्ट्सगंज से, उसका ग्रेनाइट का पत्थर है। और बिहार में ललका पत्थर है, तो सड़क बनाने के लिए देखिएगा ललका ललका बड़का पत्थर वाले आता है, तो बिहार से सड़क बनाने वाला, यूपी से घर बनाने वाला। और वहां पे रिहंद नदी जो है, वहां पे भी लाल बालू निकल जाता है, कौन सी नदी, लाल बालू। तो यहाँ से बालू घर बनाने वाला जो चीज है सब कहाँ से निकलता है, रॉबर्टगंज। तो रॉबर्टगंज उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर देता है, किसी को कोई दिक्कत है इस एरिया में, कोई दिक्कत। सोनभद्र मिला, ओबरा के ऊपर देखिए सोनभद्र मिला, सोनभद्र मिला, नहीं मिला जी सोनभद्र, सोनभद्र भी पहाड़ी क्षेत्र है, सोनभद्र कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, सोनभद्र कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी। अब सोनभद्र के पहाड़ में कई टन सोना मिल गया, सोनभद्र के पहाड़ी में कई टन सोना मिल गया, 430 टन क्या मिल गया, सोना मिल गया।
अब पता चलेगा उस सोना में से साफ करने के बाद कितना बचेगा। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि 1 किलो दूध देगा तो 1 किलो तो दही ना बनने वाला है, कुछ ना कुछ कम होगा। तो जितना सोना कच्चा निकलता है कंप्लीट 24 कैरेट का तो उतना बनता नहीं है, तो अधवे बने कौन मार पैसा लगल है। जमुई वाले में भी निकला है वहां पे तो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, लेकिन सोनभद्र का सोना बहुत अच्छा क्वालिटी का। सबसे अच्छा कौन है? नहीं लिखा सोनभद्र, जहां रॉबर्टगंज होगा वहां सोनभद्र लिखा है। ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं होगा, ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं है। देखिए ऑक्सफोर्ड का नक्शा पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, बेचने के उद्देश्य समझा गया। उसको हम बहुत बार समझाए थे कि रेट कम कर लो, पढ़ाई लिखाई पर कमाना नहीं सोचना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तुम्हारा खर्च निकल जाए तुम्हारी कंपनी का एडवर्टाइज, वो पढ़ाई लिखाई और दवाई इसको कमाने के उद्देश्य से नहीं, ये समाज सेवा का चीज है, लेकिन दग यही में रगड़ के कमाने लगा है। तो उसको कितना समझाएं, कितना समझा करे मेरा सेलिंग हो रहा है तो हम क्या करें। हम कह रुको बता रहे थोड़ा तो सेलिंग केकरा वजह से हो रहा है, लो जाए यहाँ पे, अब आप एक्सपोर्ट खरीदेंगे क्या होगा, दिक्कत होगा, किसी को दिक्कत? रॉबर्टगंज मिल गया, कोई दिक्कत वहां पे क्या मिलेगा ब्रेकेट में? सोनभद्र, कौन जगह? सोनभद्र। सोना कहां से निकलता? सोनभद्र। सोना आगे बढ़ जा सर, सोना तब तो सस्ता हो जाएगा। ऐसा का है सस्ता होगा, डिमांड कम है सोना का, बहुत है। साउथ का सोना में शुद्धता ज्यादा रहती है, दक्षिण भारत से अगर सोना लेंगे ना केरला कर्नाटक तो वहां सोना की सस्ता मतलब शुद्धता ज्यादा रहती है, और वहां पे सोना का पहनने का प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। वहां की महिलाएं ज्यादा फैशन वैशन पे नहीं ध्यान देते, सोना ज्यादा रहता है और इतना गजरा लगा लेती है, समझा गया, सफेद का फूल वाला वहां पर। तो वो अलग अलग एरिया का अलग अलग फैशन होता, हम लोग के एरिया में तो फैशन नहीं होता, दू गो चोटी करके हम एगो रसरी बांध लो, ऐसे सुतरी टाइप का चिरकुट से बांध दो और मैं गोल गोल ऐसे लटका के चल दो स्कूल, ऐसे ना स्कूल में हम लोग के समय में ऐसे ही पढ़ने जाते थे तो दू गो, अब अभी का समय में क्या है नहीं पता, हम लोग के समय में तो वैसे ही रहता था, अभी फैशन स्कूलों में चालू हो गया होगा, हम लोग के समय ऐसा नहीं था, टीचर लोग बड़ी मार मारते थे लोग, अब अभी पता नहीं क्या है। अब हम लोग का जमाना अलग था, ये अलग है। यहाँ देखिए ये जगह मिल गया, यहाँ रेणुकूट ओबरा रावटगंज सोनभद्र ये सब कैसा एरिया है? पथरीला एरिया। कैसा एरिया है? पथरी। अब आप समझिए क्यों पथरीला है। देखिए ये है आपका झारखंड से सट गया, छत्तीसगढ़ के सट गया, मध्य प्रदेश से सट गया, यहां से यहां तक विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्या। बिहार में जितना पर्वत नीचे दिखाई देता है ना सब किसका भाग है? विंध्याचल। किसका भाग है? विंध्याचल। तो बताइए यहां पहाड़ी क्यों है? विंध्याचल पर्वत है, विध्वांचल पर्वत बोल रहा है, विंध्याचल पर्वत के कारण है। आगे बढ़ जाएं, यहां देखा जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का ये एरिया आप देख लिए, यहां इजीली समझ जाएंगे, बलिया गाजीपुर बनारस, बनारस से तीन नाम याद रहेगा, सारनाथ मुगलसराय बनारस, मुगलसराय का नाम बदल गया। उसी तरह नीचे रेणुकूट ओबरा रावटगंज और सोनभद्र। अब इसके ऊपर देखेंगे यहां पे गोरखपुर मिल गया है, एयरपोर्ट। कौन जगह है? गोरखपुर। ऊपर में गोरखपुर मिल गया, गोरखपुर। यहाँ पर गोरखपुर में दो तीन चीज फेमस है। यहाँ पर आपका कुसमी जंगल है। कौन सा जंगल है? कौन जंगल है? कुसमी जंगल है। उसी जंगल में बीच में एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के एयरपोर्ट में उतरती है कहीं और चल जाती है कहीं और, तो एयरपोर्ट कहाँ पर है? कुसमी जंगल। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर यहाँ पे बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, वहां का मंदिर है, फेमस मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, हाँ चौरी चौरा कांड। गोरखपुर के पास जंगल से जस्ट पहले कौन सा जगह है? चौरी चौरा। चौरी चौरा जो है उससे 10-15 किलोमीटर बाद क्या चालू हो जाता है? जंगल। वहां से क्या चालू? जंगल। कौन से जंगल? कुसमी जंगल। गोरखपुर में कौन सा जंगल? कुसमी जंगल। एयरपोर्ट का वहां एयरबेस है कि नहीं है?
एयरबेस है वहां पर। डोकलाम विवाद जब 2017 में हुआ था ना चाइना से, तो यहाँ से एयरफोर्स की पूरी जहाजे उड़ने लगी थी, तो नेपाल चाइना को बता दिया कि पूरा तैयारी में है, तो वापस हट गया चाइना। कभी कभी दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता। क्या हो गया चश्मा, तबीयत गड़बड़ हो गया, खाना नहीं खाए होंगे, नाश्ता पानी कमी रहा होगा, तभी ये सब चीजें होता। पानी एकदम जरूरी होना चाहिए। आगे बढ़े, ये जगह कौन सा हो गया, गोरखपुर, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, कुसमी जंगल, चौरी चौरा हत्याकांड, गोरखपुर से जस्ट पहले, 5 फरवरी 1922, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म मजबूरी में बन गया है। एक बार गोरखपुर से जस्ट पहले एक बहुत बड़का झील है, रामगढ़ ताल, क्या नाम है, रामगढ़ ताल। कोई गोरखपुर का है जिसमें, गोरखपुर क्या है, कहाँ के गोरखपुर में, सहजनवा मोड़, आगे देखो, जैसे गोरखपुर में घुसेंगे ना तो पहले एक बहुत बड़का झील मिलेगा, बहुत विशाल झील मिलेगा, लगेगा ये कहाँ से बीचों में आ गया, एकदम शहर के बीचों में है। उसका नाम क्या है, रामगढ़ ताल, कौन सा ताल, रामगढ़ ताल। अब वहीं से रेलवे स्टेशन का एरिया शुरू हो जाता है, रामगढ़, ये ताल है रामगढ़ ताल, और यहाँ वॉशिंग सेंटर है, ट्रेनवा जो धुलाती है सब वहीं पे है, ट्रेनवा धुला जाती है। बेहोश हो गया क्या कोई, चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब इसके बाद जैसे रेलवे स्टेशन चालू होता है ना, तो एरिया ही नहीं है रेलवे स्टेशन के पास एरिया, कोई तबीयत खराब हो गया क्या किसी का, अरे ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हो गया, आ तो रहा है चल के, लड़का सब में इतना, हट जाओ, ऐ करो बिचवा में बैठे रहते हो, लो चले जाएंगे बाबू, चले ठीक है। देखो लड़की लोग कुछ ही को जे सीखो, बेहोश भी है तो चल के जा रहा है। आगे देखो, यहां रेलवे स्टेशन गोरखपुर की मजबूरी क्यों बन गई समझिए ध्यान से, यहां पे कौन सा ताल है, रामगढ़, और यहां पे पूरी सिटी बस गई है इस एरिया में, तो इस रेलवे स्टेशन को आप ज्यादा नहीं ले जा सकता है, तो यहां से ट्रेन को घुमाना पड़ता है इस तरह से, यहां से ट्रेन क्या हो जाती है, घूम जाती। गोरखपुर के पास एक जगह है डोमिनगढ़, वहां रेलवे स्टेशन में ट्रेन खड़ी रहेगी तो लगेगा उलट जाएंगे आप, इतना पे झुक जाती है, पूरा शहर को क्या करता है इसे घुमाता है यहाँ पर। अब ट्रेन गोरखपुर बड़ा सा शहर है, रेलवे जंक्शन है, पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय, सारी ट्रेन को यहीं पे ले जाना है यहाँ पर, तो क्या किया गया, इतने पे लंबा कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, लंबा कर दिया, और यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ 2 और 2A, एक के पे 3 ट्रेन लगती है, एक के प्लेटफॉर्म पे 3 लगती है यहाँ पर, यहाँ से जाएगी। अब इसमें रेलवे 1 हो गया, 2, यहां से क्रॉस कर दिया जाता है पटरी को। अब किसी ट्रेन, ये मेन लाइन हो गया, ये क्या हो गया, ब्लैक कलर से रंग देते हैं, ये कौन सी लाइन है, मेन लाइन। अब कोई भी ट्रेन आ रही है मेन लाइन से, मेन लाइन पे आई, उसको ये 1, 2, 2A, अगर उसको 1 पे खड़ा होना है तो यहीं से घुस जाएगी, किस पे, 1 पे। अगर उसको 2 पे खड़ा होना है तो किधर ले जाएगा, मेन लाइन, और मेन लाइन से क्रॉस करके 2 पर, ट्रेन खड़ी हो गई 2 पर। अगर यहां पहले से कोई ट्रेन खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, जाएगा यहां से किस पे, चला जाएगा मेन लाइन पे, चल दिया यहां से। तो रेलवे स्टेशन गोरखपुर का ये मत सोचिएगा एक के को प्लेटफॉर्म है, वो 3 को एक के को पे, 1.5 किलोमीटर, 1300 मीटर है तो 1.5 किलोमीटर ना समझ जाएंगे जी, तो 200 मीटर और बढ़ा देते तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, 1.5 किलोमीटर। तो ये 1, 2, 2A इतना लंबा हो गया यहां पर। अब कभी कभी जो नौसिखिया आदमी रहता है वो जैसे रामगढ़ ताल पार करता है तो सामान उमान लेके गेट पे आने की तैयारी कर लेता है, उसको लगता है तो पहले उसको मिलता है वॉशिंग सेंटर, उसके बाद उसको मिलेगा 2A, उसके बाद चलेगा 2, और जाके पता चला उसको खड़ा करेगा कितना पे, 1 पे, कुल सामान उमान लेके रेडी था निकलने के लिए, ओह कब रोक तो हो। परेशान हो जाता है, देखे बहुत कम जो रेल से सफर करते हैं वो लोग काफी ज्यादा, मतलब ट्रेन रुकने वाला होता है तो हड़बड़ा जाते हैं, और जो बार बार सफर करता है उसको पता है चलना रुक तो नहीं, ना तो भाईकुन तो आपन हो लोग। लड़कवा सब तो और भैकू मुकू मार के रद्द कर देता है। कुसमी जंगल कहाँ है, गोरखपुर, चौरी चौरा हत्याकांड, गोरखपुर, 5 फरवरी 1922, अंग्रेजों को जिंदा जला दिया, क्या कर दिया,
जिंदा जला दिया गया। ऐसे जला देना चाहिए और जगहों पे। बताइए कुसमी जंगल सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये जगह बोलिए, गोरखपुर मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए ये वाला जो एरिया कहलाता है, यहां से लेके यहां तक इसमें कई छो बड़े बड़े शहर आते हैं। कौन कौन से शहर आएंगे? एक आएगा गोरखपुर। मीडिया में ससुर हल्ला कर दिया, खान सर गोरखपुर के हैं, समझ में आएगी नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम कहाँ के, क्या नाम है मेरा, हम ये हम ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन इतना स्पष्ट बोलते हैं हम गोरखपुर के नहीं है। अब कहाँ के इससे मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पढ़ाने आए थे तो हमारा बस यही उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, न कि अपने बारे में बताया जाए। आप पढ़ लिख के सफल हो जाए, कल को आप अपना परिचय दें कि हम खान सर से पढ़े थे, आज यहाँ SDM है या हम DM है, ये आपका परिचय हमसे और, समझा गया कि नहीं? हमारा अपना कौन सा परिचय, कोई नहीं। हमारा मेन काम आपकी पढ़ाना लिखाना, समझा गया कि नहीं? पूछ कर मेरा पता वक्त जाया ना करो, मैं तो बन जा रहा हूं ना जाने किधर जाऊंगा। समझा गया कि नहीं? आज आपको पढ़ा रहे हैं, कल किसी और को पढ़ाएंगे, यहां पर आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, हमको देखेंगे तो यहीं पाएंगे। ये 8x2 के इस स्टेज पर मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा बीत जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि खान सर कहां के हैं तो तुम मजाक उड़ा रहे हो इस चीज का, समझ में आ गया कि नहीं? एक शिक्षक का पता उसके विद्यार्थियों के हृदय में होता है, समझ में आ गया कि नहीं? आप कहीं भी बताओ, बता रहा है सब हमारा काम कहां के हैं आप, नहीं समझ आया? जहां भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी अशिक्षा का अंधकार होगा वहीं खान सर का घर हो जाएगा, और वह भी अस्थाई रूप से नहीं, तब तक कि जब तक वहां अंधकार है, और उसके बाद फिर वहां से तो पूरा भारत अपना है, कश्मीर से कन्याकुमारी। हमें किसी एक जगह खूंटा पे बांध देना पसंद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा। जब हम पूरा हिंदुस्तान को अपना घर समझने लगते हैं तो दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन आप अपने गांव को अपना समझते हैं, हम पूरा हिंदुस्तान को अपना समझते हैं, फर्क बस यही होता है, समझ में आ गया कि नहीं? लोग अपना नाम चाहते हैं, हर इंसान को शौक होता है कि हमारा नाम बहुत हो जाए, हमारे माँ बाप का नाम हो जाए, हम चाहते हैं हमारे देश का नाम हो, इसलिए हम नहीं बताते अपना। जिस दिन देश का नाम हो जाएगा हम भी बताते हैं, क्या मतलब देश के आगे हम लोग बहुत संकुचित हैं लोग, यहाँ पर जो हल्ला करके रख ले हैं सब 20 कन्या सबकी। समझ में आ गया कि नहीं? तो सोचो इसीलिए भारत की मीडिया कितने नंबर पे, 142। सोच सकते हैं आप, एक टीचर क्या पढ़ा रहा है ये मायने नहीं रखता, रहने वाला कहाँ का है ये मायने रखता है, नाम क्या है उसका ये मायने रखता है। कुछ दिन कहेगा देखिए खान सर कितना खाते हैं, 8 रोटी खाता है ये। हाँ तो हम बोल दिए, इसमें खाने में शर्माना क्या है जी, इतना पढ़ाना है, दिन भर एनर्जी कहां से आएगा? ये जगह जो एरिया होता है इसमें काफी बड़े बड़े शहर है, एक गोरखपुर फेमस है, हालांकि यहाँ और भी जगह है, पड़रौना है, महाराजगंज है, देवरिया है, ये एरिया है। यहाँ पर देवरिया में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? देवरिया। देखिए देवरिया के पास कुशीनगर जगह है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, गोरखपुर और देवरिया के बीच में, गोरखपुर में ना देवरिया में, बीच बीच में, तो देखिए उसमें देवरिया मिलेगा, गोरखपुर के पास मिल गया देवरिया। देवरिया मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, जैसे मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटली, उसी तरह मल्ल महाजनपद की राजधानी देवरिया। और मल्ल राजाओं के समय आए थे महात्मा बुद्ध, जब उन्हें जहर खिला दिया गया था, मशरूम, जहरीला मशरूम खिला दिया था, सुकरमास बोलते हैं उसे, तो उन्हें उनकी आखिरी सेवा किसने किया था? मल्ल महाजनपद के राजाओं ने। और बहुत धूमधाम से उनका जब उनका निर्माण हो गया, उनको महापरिनिर्माण हो गया, तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी देवरिया, और महात्मा बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ है? कुशीनगर। उसमें दिखेगा कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के बीच में क्या? कुशीनगर। देवरिया भी जो भी देवरिया तो मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट तो मिलना ही मिलना है, देवरिया मिल गया कि नहीं मिल गया? किसी को दिक्कत? ये जगह तो बताइए, ये जगह कौन सा हो गया? गोरखपुर। ये जगह देवरिया, ये बलिया, ये गाजीपुर, ये तीन गो बनारस, सारनाथ और मुगलसराय, यहाँ पर रेणुकूट, यहाँ रावतगंज, ओबरा और सोनभद्र, ये जगह मिल गया कि नहीं? ये एरिया काफी मतलब यूपी का एक तरह से 2 ठो पिछड़ा जगह गिना जाता है, एक बुंदेलखंड का एरिया नीचे वाला और एक पूर्वांचल का एरिया, यहाँ इंडस्ट्रीज काफी कम है, तो ये पूर्वी भाग है उत्तर प्रदेश का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्वांचल। यहाँ आपको बिहार और यूपी दोनों के गुण देखने को मिलेंगे, दोनों मैच हो गए यहाँ पर, तो यह बिहार और पूर्वांचल यहाँ पर। अभी भी देखिए ना, लोग इलाज करने बनारस चले जाते हैं,
और ऊपर वाले गोरखपुर निकल जाते हैं, समझा कि नहीं। अब यहाँ कोई यहाँ चंपारण का है, तू पटना आएगा इतना दूर सीधे कहाँ चल जाएगा गोरख? आप में से कोई चंपारण का है? आप बताइए आपके इमरजेंसी में लोग कहाँ ले जाते हैं? लेके सीधे गोरखपुर, पास पड़ता है वहां से, सीधे कहाँ चल जाए? गोरखपुर। और नॉर्मल है तो यहाँ पे सस्ता इलाज भी है गोरखपुर का, पटना से तो ठीक है सस्ता। यहाँ अगर पटना में बाईपास के पास कोई घेरा गया, लाइने से डॉक्टर बैठा सर, कोई घेरा गया वहां पर तो फोड़ा का ऑपरेशन 2 लाख में कर देगा सर। हाँ हाँ, किसी को दिखा? ये हो गया कौन जगह? पूर्वांचल। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वांचल की पहाड़ी किस राज्य में? असम में। कहाँ पे? अब पूर्वांचल राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, इधर की भाषा भी भोजपुरी है, समझ गए कि नहीं? इधर की भाषा भोजपुरी है। आइए, बिहार में तो भोजपुरी पूछिए नहीं, बिहार में कई टाइप की भाषा है, मगही, जो मन तो बोल दीजिए यहाँ पर। अब आगे का क्लास कल करेंगे, पीछे